कि ये अफेयर एक्स्ट्रा जो मैरिटल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक आदमी अकेला घूम रहा है, शादी नहीं होती है। फिर टीवी के अंदर बैठिए, सरकार से बात है ना, तो बात जी ये पिंजरे से बाहर आ जाते हैं, ये लाइव है ना, इसलिए बाहर आ जाते हैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कैसे हो ऋषि? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप? नहीं वो तो हमें पता है, मैं कहा वैसे कैसी, ठीक है? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक। मेनका लग रही है आज फ्री, तपस्या भंग करने आई आपकी। सर आपके आने से पहले मैं, जब आप और ऋषि नहीं आए थे, तो मैंने इन तीनों से एक सवाल पूछा। मैंने कहा आपकी फिल्म में हीरो तो सेम ही रहते हैं, तो हीरोइन जो है बदल जाती हैं, तो ये सर इनकी डिमांड होती है कि आपकी इच्छा होती है ऐसे, मतलब? अच्छा बाप रे, फिर ये ट्रैपिंग वाला सवाल है। बोल दो सर, बोल दो बिंदास। बोल दो, एक्चुअली क्या है कि मैं सच बताऊं? सर बोल दो। लड़कियां जो होती है वो, मतलब? नहीं नहीं सर, सर सर बोलो सर, वो वाला सच नहीं सर, नहीं बोलने का ना, नहीं सर वो वाला सच नहीं सर, वो वाला सच हम तीनों कितना प्यार करते हैं, हाँ क्या हम तीनों कितना चाहते हैं, एक्चुअली हम तीनों कितने अच्छे एक्टर हैं, वो वाला सच। आपके एक्टर्स तो अपने डायरेक्टर को बोलने ही नहीं देंगे। अच्छा आप सुनना चाहते हो? जी सुनो। नहीं नहीं मैं नहीं बोलना, नहीं सर इंद्र जी प्लीज प्लीज। नहीं नहीं वही कि मैं इन तीनों को इतना प्यार करता हूँ कि इन तीनों को मैं छोड़ नहीं सकता। क्या बात, वी लव यू सर। वाह, एक माँ जैसा डायरेक्टर, एक्टर नहीं मेरे बेटे हैं। सर सही सही बताइए, प्यार ही करते हैं कि ये डिस्काउंट दे देते हैं आपको? डिस्काउंट क्या, आप उल्टा पैसे देते हो? अब समझ में आई बात, डोंट काउंट ऑन देम फॉर डिस्काउंट। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सर आपकी पिछली दोनों पिक्चर जो हैं ब्लास्ट हिट रही हैं, और ये अभी कल ही रिलीज हुई, और बहुत अच्छा प्यार लोगों का मिल रहा है, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं है। आपको एक चीज बताना चाहती थी कि ऑल माय गर्लफ्रेंड्स आर वेरी बिग फैन ऑफ यू कपिल। यू हैव गर्लफ्रेंड्स? लाइक ऑल माय फ्रेंड्स, जो लड़कियों में मेरी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, अरे कभी लेके आओ ना उनको, ये मैसेज वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि वो कितना आपसे प्यार करती है, एंड दे आर ऑलवेज लाइक, जब भी मैं उनसे बात करती हूं, मुझे कपिल बहुत पसंद है, ऐसे बोलती है ऑलवेज लाइक। तो फिर आपको जेलसी नहीं होती? सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था कि प्यार पहुंचाने के लिए? देखिए मेरी गुजारिश है, दो बच्चों के बाप बीच में ना बोले, मैं आपस में बात कर रही हूं, कर लो भाई कर लो। अच्छा यार मतलब पूरी फिल्म कर रहा है आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये सारी लाइनें, सर मैं यही कहना चाहता, ये सारी लाइनें फिल्म के पहले दिन पे इन्होंने मुझे भी बताई थी। ऋषि इज इट ट्रू? ये मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरे विश्वास कीजिए। ये भी बोला था। इसे मैं क्या करूं, गर्ल्स लव यू सो मच कपिल। ओह माय गॉड, मेरे को पता नहीं था। कंट्रोल रूम प्लीज ये तीनों एक्टर्स के माइक बंद कर दीजिए। हमें बात नहीं करने दे रहे। अच्छा आपको पता है पाजी, यहाँ बैठना, यहाँ बैठ जाओ, हैं यहाँ बैठ जाओ, मैं परे हो जाता हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं तो बोल रहा हूँ। या यू यू कैन गो दैट, आप उधर बैठ जाइए। नहीं मैं ऊपर से देख रहा हूँ, नजर रखने की जगह है, जगह है सर, नजर रखने के लिए भी कोई चाहिए। नजर मतलब इतने कैमरा, इतने लोग, क्या कर लूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा? कपिल शर्मा हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। पाजी आपको पता है उर्वशि जो है ये नेशनल लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी है। अच्छा उर्वशि आपकी हाइट अच्छी है, इसलिए आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं कि बास्केटबॉल खेलती रही हैं इसलिए लंबी हो गई आप? जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जो डैड हैं वो 6'2" टॉल हैं। अच्छा। मेरी फैमिली में हर कोई टॉल है, फेयर है, बिकॉज मैं हिमालय उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा बेसिकली आप हिमालय से हैं? हिमालय तो पाजी आई तो लव हिमाचल। नहीं मैं उत्तराखंड से हूँ। ओह आई लव उत्तराखंड ऑल्सो। उर्वशी मेरे को ना किसी ने बोला कि आज ना शूट देखने उर्वशी की मम्मी भी आई हुई है। मैंने बहुत ढूंढा, मेरी अपनी मम्मी तो मिल गई मेरे को। नहीं नहीं मत मत, आपकी मम्मी नहीं मिली मुझे, मत बुलाना। कहाँ आपकी मम्मी, यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हद से ज्यादा खूबसूरत है। वो तो फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के पता चलता है कि आप। उर्वशी आप क्या हमें बताएंगे आपकी मम्मी इस समय कहाँ मौजूद है? जी यू हैव टू स्पॉट हर। मेरे को लग रहा है उधर उधर उधर, वो लाल लाल उस वाली कपिल, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, लाल साड़ी वाली। पीछे से भी नजर आपकी तेज है। नहीं जिस तरह उसने उधर देखा ना, वो अपनी माँ को ही देख सकता है।
अच्छा वो माँ को देख रहे थे, आप उनकी माँ को देख रहे थे? आप बड़ा अच्छा, सबसे पहले आप ही ने स्पॉट किया है पाजी, लेकिन कसूर नहीं है आपका, है ही इतनी खूबसूरत हो। और मैं उसकी नजर को फॉलो कर रहा था जी, माँ को नहीं। कर लो कर लो, आप अपना कर लो, मैं बाद में आता हूँ। नजरें कब से फॉलो करने लगे आप? भाई लाल हो रहे हो, चेहरा लाल हो रहा है। ओए साड़ी से मैच कर रहे हैं ना। सॉरी मैम, हम लोग देखो थोड़ा कौन कहता है मोहब्बत के जबां होती, यहां से बयां होती है। मिसेज नवजोत कौर सिद्धू इस समय अपना जो भी जरूरी काम कर रही हो, इस समय ध्यान से देखिए इस शख्स को। मजाक बना रखा है यार तूने, पहले यहाँ मेरी दुराई कराई उससे, हद हो गई यार, सुमड़ी में गुमड़ी रखी यार, अपनी आपस की बात है। देखा ग्रैंड मस्ती का इफेक्ट है ये, ग्रेट ग्रैंड मस्ती का। आपके पापा नहीं आए यहाँ पे? जी नहीं, वो बिजी है। ओहो इतनी सुंदर मम्मी, वो कहाँ बिजी है? यार मतलब सॉरी भाई, मैं मतलब यार हमारे जितने भी सब एक्टर दोस्त हैं, पर सर मैं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, देखिए मेरे मन में कोई ऐसी कपिल आप सबसे बड़े मस्तीखोर हैं। मैं तो हरामखोर भी बहुत बड़ा हूँ। आज क्या खा गया तू मेरे ब्रेकफास्ट में? नहीं नहीं मैं मेरे में चाम आ जाता है भाजी। तो कैसी हैं आप मैम? शानदार। वो तो हमें दिख रहा है। मुझे लगता है कपिल को पार्ट फोर में लेना ही पड़ेगा। ये मेरे तीन अनमोल रत्न, अनमोल रत्न में मुझे लगता है चौथा रत्न डालना पड़ेगा। तो पक्की बात है अगली जो आपने कही ना कपिल, ग्रैंड मस्ती फोर पक्का है। लॉक कर दो सर, आधा घंटा और रुकिए, आप सिक्स भी देके जाएंगे। तो इंदर सर जी, नॉर्मली हमारे शो में क्या होता है कि जितने भी स्टार्स आते हैं, डायरेक्टर आते हैं या हमारे जो दर्शक यहाँ पे देखने आते हैं, तकरीबन उन्हीं के फैंस को हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं। पर आज मुद्दा थोड़ा अलग है, आज यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, कुछ लोग कंप्लेंट लेकर आए हैं। जी नमस्कार सर, आप लोग इस फिल्म में तो बहुत ही मस्ती किए हैं, इससे पहले तीनों में भी मस्ती की है, और मुझे लगता है कि अपने घर पे भी इसी तरह मस्ती करते होंगे, लेकिन हमारी हमारे जीवन की मस्ती तो एकदम जा चुकी है। आप तो वही है ना परमाणु ऊर्जा वाले? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी। जी हाँ जी हाँ। तो आपकी मस्ती क्यों खत्म हो चुकी है सर? असल में क्या, हमारी हमारी जो मैरिज लाइफ इतने इतना पुराना हो गया कि अभी कुछ मजा ही नहीं रह गया लाइफ में। मतलब इनका परमाणु बम फट चुका है। देखिए एक कहावत है कि घोड़ा और आदमी कभी बूढ़े नहीं होते। सर गधों के बारे में कुछ सुना? लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ से मस्ती चली गई है, अभी भी टैबलेट्स मिलती है। इंदु सर इतने धार्मिक मुंह से ऐसी बात आपने करी कैसे? मतलब आपको अनुभव पूरा है सर। ओहो तो आपको ऐसा लगता है कि मस्ती कम हो जाती है, हालांकि आपकी शादी को 27 साल हुए हैं। आपके बच्चे कितने सर? दो हैं। दो हैं तो दो दो बच्चों के बाप तो यहाँ पे मौजूद हैं, और तीसरे की भी शादी हो चुकी है। हम इनसे मेरे मेरे तीन हैं। आपके तीन हैं जी? वो तो टैबलेट का कमाल है ये सर। आदत से मजबूर हूँ मैं। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि आपको कभी एंग्जाइटी होती है या आपको मन मचलता है, तो ऐसी जैसे आपको एसिडिटी होती है उसकी वजह से भी आपको लगता है कि लाइफ में मस्ती कम हुई है, तो उसके लिए भी मार्केट में टैबलेट्स हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और मेरे एक दोस्त जी,
अच्छा सारे 25 के ऊपर वाले ही हैं। 25 नहीं, 45 जिनको हो चुके शादी नहीं करे, सारे एमबीजी के क्लासमेट्स हैं। सर मेरी भी सेम समस्या है। वो तो दिख रहा है समस्या, तो सेम टैबलेट। मेरे बड़े भाई ने बोल दिया, डायरेक्टर साहब ने बोल दिया, तो ओके। आज मैं ये भी नहीं कह सकता कि मजाक बंद। ओके जी सर, आपको भी ये लगता है कि शादी के बाद जो आदमी जितना एंजॉय पहले करता है उतना नहीं करता बाद में जिंदगी में, लाइफ में मजा ही नहीं है जी? किस प्रकार का मजा चाहते हैं आप? मतलब क्या आपको लगता है कि बीवी परेशान करती है, बार बार पूछती है कि घर क्यों नहीं आ रहे, ऐसी चीजें? अरे बाप, ओहो, प्रणाम प्रणाम, उनको जवाब ही नहीं देने दिया। मैं समझ गया आपकी सर प्रॉब्लम। अच्छा, जवाब नहीं देने दिया, नहीं उसके बाद मुझे यूं करें जैसे सेंचुरी बन गई है जी। नमस्कार मैम। सर ऐसी बात नहीं है। कैसी है? जब देखेंगे तभी तो मस्ती होगा। माइक 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 यहाँ रखें। कैसी है, कैसी है? सर जब देखेंगे इधर को जब तो मस्ती होगा ना, जब देखने का ही टाइम नहीं। क्या बोला ये बहुत तगड़ा। सर सारा टाइम बिजी रहना। कहाँ बिजी रहते हैं, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वैसे तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो फिर भी बिजी रहते हैं? अच्छा सर, पहले जब काफी टाइम पहले बोलते थे साड़ी वाड़ी पहन के सब के निकलो, तो बोला ब्यूटीफुल हॉट हेमा मालिनी लग रही है, और उसके बाद से अभी अभी क्या बोलते हैं जी? अभी क्या बोलते हैं उनको? बोलो तब आप भी तो राजेंद्र कुमार लगते थे। तो अभी देखते नहीं भाई साहब? सर इनकम टैक्स में है ना, रेड में जाते हैं। अरे आपने पहले नहीं बताया सर, चाय लेंगे आप? दूसरों का टैक्स देख रहे हैं, अपना टीडीएस काट ही रहे। टाइम नहीं ना। बिल्कुल आप, मैं मैडम आपके साथ हूँ। बिल्कुल थैंक यू। पर बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बहुत प्यारा बोलती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और विवेक भाई, आफ्ताब, रितेश, आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। इंद्र सर, उर्वशी आप जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने आई होप एंजॉय किया, बिकॉज बहुत मेहनत करके आपने फिल्म बनाई है, उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन आपको भी चाहिए होता है। बहुत अच्छा मिला मुझे यहाँ आकर रिलैक्सेशन, मजा आ गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उर्वशी और इंद्र कुमार सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए आइए भाई आप प्लीज। पाजी रितेश, विवेक और आफ्ताब तीनों ही वेल टू डू फैमिली से हैं। अच्छा, हम जितने भी एक्टर्स यहाँ पे आते हैं, हम लोग उनकी स्ट्रगल की कहानियाँ सुनते हैं। आपकी स्ट्रगल की कहानी हमने कभी नहीं सुनी। स्ट्रगल क्या है कि शायद जो फिल्में मिली मैं करता गया, पर एक कैरेक्टर स्ट्रगल बहुत था मेरे लिए। मुझे एक फिल्म ऑफर की गई थी, अपना सपना मनी मनी, मैंने एक लड़की की भूमिका की थी। तो जब मुझे फिल्म ऑफर हुई, मैंने सोचा भी ये लड़की की भूमिका मैं कैसे करूँ। तो सबसे पहले ये था कि यू नो, अपने आप को पूरी तरह ढक लो, शोल्डर्स ब्रॉड है तो शोल्डर्स को ढक लो, और ये सब करना शुरू कर दिया। फिर वैक्सिंग, थ्रेडिंग, बहुत परेशानी, बाप रे बाप। मैं तैयार होके पहले दिन पर मैं गया और मैंने छाता नीचे कर लिया था ताकि मुझे कोई देखे नहीं। ऐसे कोने में एक कुर्सी लेकर, तो मेरे बाजू में चंकी पांडे जी आके बैठ गए। अब छाता नीचे था तो मुझे बोले कि हाउ आर यू, और मैंने कहा आई एम फाइन। आई सेड वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मुंबई। शाम को क्या कर रहे? नमस्कार, सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जलते हुए विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा यह है कि क्या यह सच है कि शादी के बाद आदमी की जिंदगी में जो है मस्ती कम हो जाती है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से तीन मस्तीखोर अमर, मीत और प्रेम यहाँ पे मौजूद हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ मौजूद है डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बेगम लुच्ची और संतोष कुमारी जो अभी तक है कुंवारी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सो पहला सवाल मेरा यह है कि इन तीनों की फिल्म में शादी हो चुकी है फिर भी दबा के मस्ती करते हैं,
क्या ये सुविधा आम आदमी को उपलब्ध है? आइए जानते हैं इस मुद्दे पे रितेश देशमुख के क्या विचार हैं। जी आप जी, मुझे लगता है कि शादी के बाद अफेयर तो जरूर होने चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर अफेयर ना हो तो आदमी आलसी सा हो जाता है, अगर अफेयर हो तो ज्यादा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसे पकड़े जाने का डर रहता है। सो यू नो इट कीप्स यू अलर्ट। मुझे तो लगता है कि जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके तो अफेयर होने ही चाहिए, कि रात भर अलर्ट रहेंगे। वैसे रितेश जी, आपके लिए एक शेर अर्ज है, मुलायजा फरमाई है। जी शेर कुछ इस तरह है कि बर्फ का हुनर है, बर्फ का हुनर है गर्मी से पिघल जाना। बकवास। जवानी का हुनर है गिर के संभल जाना। हा हा हा, रद्दी। पिछले मोहल्ले में रहती हूँ जनाब जी, जब भी घर से दूर जाना हमारे तरफ ही आना। आए, 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 आए। आपकी इस वाहियात बात के लिए मैं आपकी पीठ पे काट भी सकता हूँ। बहुत ही वाहियात और घटिया बात की आपने। इनके पीठ पे बाल है, तुम्हारे मुंह में आ जाने अगर तुमने काटा। मेरे को पता है, मेरे आए हुए हैं पहले। तो हंटर खा के चुप करेंगे, अपने आप चुप करेंगे आप। समोसा पे खरगोश रख के आ जाते हैं आप और बकवास तो बकवास किए जा रहे हैं। बट मैं अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि शादी के कितने सालों बाद तक अफेयर नहीं होता? क्या है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो 3-4 साल तो एक दूसरे को जानने में पहचानने में निकल जाते हैं, बंदे को टाइम ही कहाँ मिलता है फेर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई हो तो आप क्या है उसको पहले से ही जानते हैं, तो फिर क्या जी जल्दी भर जाता भर जाता है। क्यों रितेश? साले 2-4 तालियों के लिए तो मेरी की बजा रहे। बट मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये अफेयर एक्स्ट्रा जो मैरिटल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक आदमी अकेला घूम रहा है, शादी नहीं होती है, फिर टीवी के अंदर बैठिए। सरकार से बात है ना, तो बात जी ये पिंजरे से बाहर आ जाते हैं, ये लाइव है ना इसलिए बाहर आ जाते हैं। बेगम लुच्ची आप ये बताइए कि आपके नवाब साहब ने कभी मस्ती नहीं की? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि हर वीकेंड पर उनके आराम घर पे हमारा आइटम सॉन्ग जो होता था जिस पर हम डांस करते थे। अच्छा, वाह वाह, तो ठुमके यहाँ भी लगा दो फिर। लुच्ची साहब का बाहर चक्कर क्यों नहीं होता होगा? औरतें डर जाती होंगी कि जो डांस इतना गंदा करती मारेगी कितना गंदा। बट तेरी ऐसा ही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। कोई डांस हुआ तरीका है डांस करने का? डांस हम आपको दिखाते हैं, रुकिए। बढ़िया है, तो जीने दे मान। अरे म्यूजिक लगाइए।
लड़िए मत। देखिए हमारा सिटी केबल का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त किया जाता है। बदतमीजी की वजह से हटाइए सिटी केबल।